Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 11.5. Find the area of trapezium when parallel sides and altitudes are given as under. Number 1. Parallel sides are 5 cm and 6 cm where altitude is 4 cm. Pair hai asan to trapezium thenda ji. Ye trapezium ma ya ba pass a parallel hunda hai. Unchai ne ji 4 cm a. Ete area of trapezium मालूम करनी है पैरेलल साइड्स आर गणान 5 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर बई मिलल है अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और असा खबर आ एरिया ट्रपेजियम पूरो सिर पासे चौकने जी एरिया मालूम करनी है फार्मूला ने फार्मूला में वैल्यू पुट करना जी अल्टीट्यूड असा 4 मिलला है सम ऑफ पैरेलल साइड बा पासा मिलल है एक 5 बे 6 पंज छह के जोड़ कर रखना हाँ इनके हल कर देखो जवाब आए 22 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ट्रपेज़ियम थी 22 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सरसाइज 11.5 जो पहले नंबर सवाल बियो पार्ट पैरेलल साइड असान के मिले लेन पूर्व जो पास या 3.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर है जड़े तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है हल कंदा से ये असान जो पूर्व उच्च पास सोचो कुंडो जे या ब पासा मिले लेन ऊंचाई मिलेला हते एरिया ऑफ ट्रपेज़ियम असान के मालूम करनी है पैरेलल साइड असान के मिले लेन अल्टीट्यूड असान के मिलेला एरिया ऑफ ट्रपेज़ियम बराबर छाती नो 1/2 ये ने जो फार्मूला है जब अल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई असान के मिलेला ब आई सम ऑफ पैरेलल साइड असान के 3.5 एंड 4.5 है यानी के असान हल कंदा सी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ट्रपेज़ियम के साथ ही 8 स्क्वायर सेंटीमीटर टू नंबर पार्ट पैरेलल साइड्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर है ये असान ये पूर्व उच्च पास जो कुंडा जेना है ब पैरेलल साइड मिलेलन आई ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है हते एरिया ट्रपेज़ियम बराबर थी मालूम करनी है पैरेलल साइड असान के 4.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अल्टीट्यूड असान जा 5.5 सेंटीमीटर एरिया ट्रपेज़ियम बराबर है 1/2 इनटू अल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन फार्मूले ते असान की एरिया ऑफ ट्रपेज़ियम मालूम करना सी फार्मूले में वैल्यू पुट कई सी सम ऑफ पैरेलल साइड लिखिया सी उन के जोड़ करे इन के इन इक्वेशन के हल कंदा सी पेरा असान जी डिंगी छदाए और ये उनके 5.5 सा ज़र्ब करना थी तो डिवीजन छदाए ना थी ये को जवाब इन 30.25 का सेंट पर ये आसान जी थी एरिया ट्रपेज़ियम जो नंबर पार्ट्स जी पैरेलल साइड ऑफ ट्रपेज़ियम आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इट्स अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया एरिया मालूम करनी है पासा सब मिले लें ऊंचाई भी मिले ला ट्रपेज़ियम जब पासा ही ऊंचाई मिले ला होंगी पासा मिले लन ऊंचाई मिले ला तो इन एरिया से आराम से मालूम कर सकूं ता एरिया ऑफ ट्रपेज़ियम मारे फार्मूले ते थी इन जो फार्मूला बाकी फार्मूला जायन में रखूं अल्टीट्यूड एंड सम ऑफ पैरेलल साइड इन फार्मूले ते दसा इन जी एरिया ऑफ ट्रपेज़ियम आराम से मालूम कर सकूं ता 35 स्क्वायर सेंटीमीटर टू नंबर पार्ट ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रपेज़ियम 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 140 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स अल्टीट्यूड मैं ते सा अल्टीट्यूड मालूम करनो पासा सा के बपासा मिले लन एल्टीट्यूड मालूम करनो एरिया सा मिलेला एरिया ट्रपेज़ियम सा के 140 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेला पैरेलल साइड्स आ रहा सा के 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मते मिले लन अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई सा के मालूम करनी है असा खबर आ त सागी फार्मूले त असान मा ऊंचाई अल्टीट्यूड मालूम कर सकू ता हां एरिया ट्रपेज़ियम लिखना सी वो सा के मिलेला अल्टीट्यूड 1/2 लिखना सी जरबिया अल्टीट्यूड असा के मालूम करना लिखियो सी बाकी सम ऑफ पैरेलल साइड जे के ब पासा नन जे सम लिखना सी यानी ब पासा को 15 बे 20 सेंटीमीटर बे पासा बिनी के जोड़ करना सी और अल्टीट्यूड के असा पेरी लिखना सी अल्टीट्यूड खा असा दिसु पया त 140 इन पासे पियो आ इन के असा राइट हैंड साइड जे खड़ी आया सी त हे 15 ए 20 थिंदा 20 ये 15 ये 20 थिंदा 25 ये वरी इन 40 ये इन पासे खणींदा सी त इन सा अल्टीट्यूड सा मल्टीप्लाई वे थिंदा इन सा डिवाइड थिंदा एड़े नमूने सा ब वरी ते
डिवाइड कर थी उन बात यो नी मल्टीप्लाई थी यानी 140 सा ये मल्टीप्लाई करना है यानी कि ऐसा हल करना है चार दफा अपन टीए खोलो 140 के लगो तो अल्टीट्यूड सा 8 सेंटीमीटर मिलो हेड ने हमने आसी ने के आसानी से हल कर सको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड अल्टीट्यूड्स आर गिवन एज अंडर बेस 8 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर एक लो ट्रायंगल है ये बेस 8 सेंटीमीटर है एंड ये हाइट ये का सा 6 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर फार्मूला ते एरिया मालूम कंदा एरिया असन के मालूम करनी है बेस असन के 8 सेंटीमीटर मिलेला अल्टीट्यूड असन के 6 सेंटीमीटर मिलेला असन खबर आए त एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होवा 1/2 ही ने जो फार्मूला बेस इनटू अल्टीट्यूड ही इन एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम कर जो ट्रायंगल ये एरिया दी मालूम कर जो फार्मूला और 1/2 बेस असन के मिलेला 8 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड असन के 6 सेंटीमीटर ने के हल करियो जे को जवाब है वो थियो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर या एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल जी एरिया जी थी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एडन में सा तमा ट्रायंगल जी एरिया जी मालूम कर सकदा चौथो नंबर सवाल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड अल्टीट्यूड आर इज अंडर बेस एंड अल्टीट्यूड असन के मिलेला पाई वही ऊंचाई इन फार्मूले तहत असी के हल कर सकदा सी एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करनो आ बेस असन के 9 सेंटीमीटर आ अल्टीट्यूड जो का सो 5 सेंटीमीटर आ अन एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूले ते असन जी एरिया जी मालूम करना सी बेस विलेला 9 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर इक्वेशन के हल करना सी जो को जवाब इंदो 22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल जी एरिया जी थी 22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर चौथे जो टियो नंबर चौथे नंबर सवाल बेस असन के 6.5 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर त हेड नमूने असन ने के पे हल करे सकना एरिया ऑफ ट्रायंगल आरे फार्मूले ते सिंपल आ सफा फार्मूले में वैल्यू पुट करे असन ने जी एरिया ऑफ ट्रायंगल मारम को सकना 11.5 जो पंज नंबर सवाल जे में चेतो तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड अल्टीट्यूड आर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बेस 6 सेंटीमीटर है एंड अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है 5.5 इते एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करनी है बेस असन के 6 सेंटीमीटर मिलेला एंड 5.5 अल्टीट्यूड मिलेला एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूला ते त असन जियो एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना सी इन फार्मूले वैल्यू पुट करना सी बेस 6 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 5.5 इन के असन जडे हल कंदा सी जेको जवाब आयो 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर यो आए असन जी ट्रायंगल जी एरिया जी 6 नंबर सवाल द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स हाइट ये ट्रायंगल आने में 5 सेंटीमीटर ने जो बेस आ आई हाइट मालूम करनी है एरिया संगे मिलेला एरिया ऑफ ट्रायंगल संगे मिलेला 40 स्क्वायर सेंटीमीटर बेस संगे मिलेला 5 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड संगे मालूम करनो अब सा खबर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हुंदो है इन फार्मूले ते तो 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखी सी ये मिलेला आई हाने 1/2 बेस संगे 5 सेंटीमीटर मिलेला अल्टीट्यूड मालूम करनो अल्टीट्यूड इन पासे खणी दासी अल्टीट्यूड्स का उन पासे इन पासे जी के 14 इन के सा उन पासे खणी दासी त उन पासे 5 अल्टीट्यूड सा मल्टीप्लाई थी त 40 सा इन पासे जी डिवाइड थी ता आई ब डिवाइड बे थी अल्टीट्यूड सा त उन पासे 40 सा मल्टीप्लाई थी ना उन के हल कंदा सी 8 दफा लगो आई जवाब आयो 16 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड एडे नमने वहां के अल्टीट्यूड मिलियो सतो नंबर आई फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन द फिगर इफ एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल इज 20 चौरस स्क्वायर मीटर फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल संगे मिलेला एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर थिंदो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम असें खबर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होंदो आए हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 आई हाफ ऑफ पैरेललोग्राम यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हेड नु नसीन के एरिया ऑफ ट्रायंगल नमा सा कडना सी 20 सा
92 से 93 मल्टीप्लाई करी खिंदा थी नपा दे डिवाइड बे थी एरिया पेलोग्राम सा तो एरिया पेलोग्राम छा थियो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एडन में हेल करी सा।